पुंछ समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के बाजार खुद साख्ता महंगाई की शदीद लहर की जद में है। बाजारों में हालिया महंगाई की शदीद लहर के साथ नाजायज मुनाफाखोरी के चलन ने खरीदारों पर कमर तोड़ बोझ डाल रखा है। यहाँ खुद साख्ता इतनी बड़ी महंगाई है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। आप शाही गली में चले जाए गोश्त का रेट 450 का, वहाँ 500 में देते हैं। पारसी में चले जाए वहाँ कुछ और रेट होगा, इधर जाए कुछ और होगा। सामने रेट लिस्ट होनी चाहिए, कम से कम गोश्त की हद तक तो होनी चाहिए। एक मुर्गा है जिसकी रेट लिस्ट पूरे शहर में एक रेट है। आजाद कश्मीर में प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हुकाम भी नाजायज मुनाफा खोरी करने वाले मुनज्जम माफिया के सामने बेबस दिखाई देते हैं। कल मैं 120 रुपए किलो टमाटर लेके गया हूँ, आज रेट पता किया तो 200 रुपए किलो है। तो कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी आपको कहीं नजर तो आ नहीं रही है, दफ्तरों में आराम से बैठे हुए हैं। जो दाल रोटी मुहैया कर रहे हैं ये यकीन माने के कर्ज करके आगे चला रहे। मुश्किल हो गया है अपने घर का चूल्हा जलाना आम आदमी के लिए, बहुत मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट ने इस पर संजीदगी न इख्तियार की तो लोग खुदकशियां करने पे मजबूर हो जाएंगे। खरीदार निशनामों के बगैर फरोख्त करने वाले मुनाफाखोरों और इन्हें मनसब का साहिबा फराहम करने वाले हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी पुंछ के बाजारों में प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से जारी करदा निशनामों पर अमल दरामद एक ख्वाब ही रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकी उल हसन, दुनिया न्यूज़, रावला कोट, आज़ाद कश्मीर।